तो हेलो गाइस, मैंने फिर से ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। अभी यहाँ पे कोई असर है इसको दिखाता हूँ मैं। बाकी स्ट्राइक पे स्ट्राइक पड़े जा रही है, पर हम ब्लॉग बनाना नहीं छोड़ेंगे। अभी दिखाता हूँ, एक बंदे को दिखाता हूँ पहले। तो इसको मैं ले आया हूँ, बाकी ऐसे जा रही है। दिखाना चेहरा तो दिखा दे। इतना सरी, कुछ बोल के जा। हेलो आई करके। तो इसको मैं यहाँ ले आया हूँ। आइयो आइयो, शक्ल दिखा अपनी। कुछ बोल दे। हेलो गाइस, क्या कुछ और बोल दे? क्या बोलूँ? इंट्रोड्यूस करो अपने आपको, इंट्रोड्यूस, वरना मैं ज्यादा अच्छे से कर दूंगा। इतना ही सही है। मैं अपनी तरफ से करूंगा, फिर ज्यादा अच्छे से करूंगा। जल्दी इंट्रोड्यूस कर अपने आपको। क्या करूं? बोल दे, मैं बहन हूँ इसकी। हाँ, मैं इसकी बहन हूँ। हाँ, एक और बहन भी आ रही है, इधर उधर से आंट रहे हैं। इधर आओ, क्रूर कैमरा नीचे करना पड़ेगा। बाकी मैं मम्मी से ही मिलवाऊंगा। मम्मी, मेरी मम्मी, मम्मा आ जाओ आज। मैं सब लू आ जाओ बस। कुछ बोलना भी होता है यार, पता नहीं स्ट्राइक क्या पड़े जा रही है। बाकी घर वालों को मैं दिखा दिया सबको। अभी पापा पापा को दिखाते हैं। पापा अभी दिखाते हैं पापा को भी। अरे मेरे पापा खुश हो गए। पापा यार व्लॉग नहीं चल रहा, तुसी कुछ कर नहीं रहे हैं? कुछ बोल दो यार। की बोला मैं? कुछ तो बोल। हाँ तो पापा व्लॉग के नहीं चल रहा। चलेगा। कब तक चल जाएगा? चलेगा जरूर। की में चलेगा? आप घर आए हो, फोन में लगे हो। फोन में मेरा ब्लॉग नहीं देख रहे, कुछ और देख रहे हो, फिर की फायदा? कल का मेरा ब्लॉग है क्या? की वे क्या? किधर सी मैं? सही जी। पर स्ट्राइक क्यों पै रही है? गुरुद्वारे वाला। हाँ गुरुद्वारे वाला देखा, देख लिया। हाँ बढ़िया लगा। हाँ सही है, देखा बढ़िया बना रहे मैं, लोगों को लग रहा है। बस तू बनाता रहा बस। चलेगा जरूर, चलेगा। चलो पापा ने कहता तो चलेगा। अभी मैं बैठ के एक जगह बताता हूँ कि स्ट्राइक वगैरह जो पड़े जा रही है। एक जगह बैठ के पहले बताता हूँ क्यों पड़ रही है। तो जो मैंने कल पोस्ट की थी वीडियो गुरुद्वारे वगैरह वाली, उसको मैंने दो तीन बार पोस्ट किया और दो तीन बार 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 उस पर कॉपीराइट इशू हो रहा था, क्योंकि मैंने आखिरी में एक जिंदगी गाना लगा रखा था परमिक शर्मा वाला, उस पर आ रहा था पहले तो। फिर मैंने उसमें से हटा दिया, पर एक वो जो म्यूजिक जैसे मैंने बताया था एनसीएस का, मैं पहले यूज कर रहा था। पता नहीं क्यों एनसीएस के लिख रखे हैं, पर उन पर स्ट्राइक पड़ी जा रही है। तो अब मैंने सोचा किसी का भी यूज़ नहीं कर रहा मैं, जो म्यूजिक यूट्यूब खुद अपने थ्रू दे रहा है उसी को यूज़ कर लूँगा। बाकी अगर मैं कोई गाना नहीं भी यूज़ कर रहा, बैकग्राउंड में कोई चल रहा था, जैसे कि मैं जहाँ पा जोन से पार्क में था, मैं सीपी वाले, उसमें पीछे से जय हो गाना जो चल रहा था, या फिर जो लोग गा रहे थे गाना, उस पर भी सीन यही हुआ कि उस पर भी पता नहीं यूट्यूब को कैसे इतना जल्दी पता लग जाता है गाना है। तो यूट्यूब ने उस पर भी स्ट्राइक दे दी कि जय हो वाला गाना चल रहा है, उस पर भी स्ट्राइक दे दो। हर चीज पर स्ट्राइक ही मारा जा रहा है। तो उसको ही मैंने, मतलब ये होता है कि फेयर यूज के अंडर आता है, लेकिन 15 सेकंड के अंडर करना पड़ता है उसे। तो मैंने उसे कट करके देखा तो भी नहीं हो रहा था वो। तो मतलब मेरे को अगर एक बार मैं बताऊं, पोस्ट करनी होती है वीडियो, तो अगर बढ़िया क्वालिटी है, मतलब तुम्हारी बढ़िया वीडियो क्वालिटी है और 1.5 GB करीब है तुम्हारी वीडियो, और उसको पोस्ट करोगे तो आधा घंटा करीब लग जाता है। अगर वाईफाई स्पीड बढ़िया है तो भी लग जाता है। तो मेरी स्पीड बढ़िया है तो भी इतना लग जाता है। तो इतना लगाने के बाद भी 3-4 बार अपलोड करने का, मतलब 3 घंटे तो ऐसे टाइम वेस्ट हो जाता है। बार बार थंबनेल चेंज करो, डिस्क्रिप्शन लिखो, सारी चीज़ें लिखो, और उसके बाद फिर स्ट्राइक आ जाती है, फिर हटाना पड़ता है। फिर जब लास्ट में जब स्ट्राइक आई थी, तो फिर पता लगा कि एक क्लिप में आवाज़ भी नहीं थी। तो फिर मैंने उसे भी क्रॉप किया, पहले 30 सेकंड में आवाज़ नहीं थी, फिर उसको क्रॉप करके मैंने अभी 2-3 सेकंड की क्लिप आएगी जहाँ पे आवाज़ नहीं है, वो अब सेट नहीं हो रही ढंग से। बाकी मैंने ज़्यादा जिसमें आवाज़ नहीं थी वो तो क्रॉप कर दी वहाँ से, और अभी तो सेट है। पर अभी भी फिर अब मेरे को पता लगे कि 1 सेकंड वीडियो थी मेरी जिसके अंदर, अब उसमें स्ट्राइक आ गई है। अब उसका क्लेम हटाने के लिए पता नहीं मेरे को वहाँ से म्यूजिक हटाना पड़ेगा, और देखता हूँ अगर हट गया तो फिर हट गया, वरना तो फिर वीडियो हटानी पड़ेगी, वरना फिर क्लेम वगैरह शो होगा या फिर स्ट्राइक शो होगा वहाँ पे, तो वो भी चैनल के सही नहीं है। तो अभी दोस्त वोस्त के यहाँ पे अगर जाऊँगा तो वहाँ दिखाता हूँ, वरना तो कल फिर जिम जाते हैं तो दिखाते हैं। बाकी 2-3 दिन से मैं जिम पे नहीं जा रहा था, वीडियो चक्कर में इधर उधर हो रहा था, और दोस्त वगैरह भी नहीं था जिम जाने के लिए, तो बस फिर इसलिए मैं गया नहीं जब। तो हाँ, तो आज मैंने अपने माँ बाप का एक सपना पूरा कर दिया है। हम लोग टीवी पे आ रहे हैं, और कोई ये नहीं बोलेगा कि ये कनेक्ट कर रखा है, हम टीवी पे आ रहे हैं, ठीक है, बस ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो एक बंदे रह गए थे जिनसे अभी तक मिलाया नहीं। अच्छा, मिला लो जी, अभी खड़े हैं। साढ़े बड़े भरा, साढ़े चाचा, कुछ क्यों साड़ी वीडियो चल रही है बताओ? यूट्यूब ढूंढ ढूंढ के कॉपीराइट मार रहा है, दूजी वीडियो तो कॉपीराइट मार रहे हैं। मतलब मतलब 4-5 थी उस समय नहीं आया, अब तो मैंने कल वाली जो वीडियो पाई थी। अच्छा, उसमें 3 बार आया, हटाता रहा मैं बार बार,
फिर फाइनल में जाके हट गया पूरा ऊपर। अब जाके पता लगा दूसरी में आ चुका है। क्या कर रहा है यूट्यूब खेडे कर रहा है साडे नाल? मतलब की कर नहीं पाओ तुसी? क्या है कह रहे तुहाडे बस दी गल नहीं है तुसी रहण दो। अच्छा तुसी रहण दो यार, रहण दो तुसी रहण दो। जो कर सकता कर ले कोई, क्योंकि साडे कोल है, साडे कोल रब है, रब नाले साडे। और जिम तो फिर मैंने जो बोला था आज सुबह जाऊंगा, वो भी मैंने किया। 3 दिन से हमारी छुट्टी चल रही है। अरमान ब्लड डोनेट करने गया हुआ था, तो उसकी वजह से उसे थोड़ा लग रहा है वीकनेस सी, तो उसके बाद फिर वो जा नहीं रहा। तो मेरा भी दिल नहीं किया कि मैं अकेला क्या करूँगा जाके, और कोई दोस्त वगैरह भी दिया था साथ, फिर मैं इसलिए नहीं किया। बाकी फिर मैंने सुबह भी नहीं बनाया व्लॉग, अब शाम से कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब देखते हैं घर में किसी से मजे लेंगे, वो दिखा देता हूँ। इतना ही जट हैंडसम लग रहा है कि लग रहा है? बहुत गंदा लग रहा है तू। हैंडसम लग रहा है, यहाँ हैंडसम कहते हैं। ज्यादा गंदा लग रहा है, इतना ज्यादा गंदा इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। मेरी मम्मी ने कुछ बोला ही नहीं वीडियो में, सोच। मम्मी वैसे बोलती रहती है और बोल नहीं रही। तू बोली आजकल, नहीं बोली थी? प्रोग्रेस हो रहा है, प्रोग्रेस। आगे कर रहे हो मम्मा? खाना बना रहे हो? इधर देखो। और शोभा हाँ भाई, क्या हाल है? क्या हाल? ब्लॉग बनने लग गए भाई के। कैसा लग रहा है? तो अभी जो दोस्त उसको दिखाया था, अभी हमारा प्लान बन रहा है 2-3 दिन आगे का कि इधर उधर जाएंगे तो दिखाएंगे। बाकी मैंने दिखाया नहीं, मैं बड़े टाइम बाद मिला था, मतलब हो गए 2-3 महीने बाद ही मैं उससे मिला था। तो हम ज्यादा गप वप मार रहे थे, उस चक्कर में बनाया भी नहीं, और हम जैसी बातें करते तो लोग ही हमें देख रहे थे, तो हमने ब्लॉग भी नहीं बनाया कि और देखे। तो बाकी ये वीडियो ऐसी एंड करते हैं आज, और 2-3 दिन बाद हम जब जाएंगे तो उसमें जब दिखाऊंगा ज्यादा अच्छे से, फिर इंट्रोड्यूस करेगा अपने आप को अच्छे से। तब तक ले बाय।